हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम आ गए जयपुर के फेमस सिटी पार्क के सामने आपको दिखाने अनलिमिटेड थाली। अरे मटर पनीर, आप देखो क्या शानदार तरीके से मटर पनीर, बहुत कुछ है इस थाली में। क्या क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगी जब मेरी थाली लगेगी। अभी अच्छा नान बोल रही हूँ, अब तैयार हो रहा है मतलब लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी। आप देख सकते हो यहाँ पे, अब ये तंदूर में जाएगी सीधा। बस यहाँ पे थाली का ही बनता है, बाहर ही बनता है थाली के लिए। जो भी पराठे रोटी जो भी थाली में आता है सब यहाँ बाहर बनेगा। क्या क्या आता है वो तो जब थाली लगेगी तभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो भाई बटर लग चुका है अपने नान पे। कौन सा नान है भैया? बटर नान पे बटर लग रहा है। बहुत बड़ा बटर नान लगाया भैया ने। अब इसको काट दिया जाएगा बीच में से, ताकि ये दो पीस में हो जाए, क्योंकि बड़ा है ना यार। और लच्छा कट चुका है, जो दो पीस में कटा है लच्छा। बढ़िया सा आपको मेकिंग भी दिखाई, बहुत ही अच्छे से बटर लगाया भैया। बटर कौन सा है? अमूल यूज़ करते हो? अमूल बटर यूज़। हमारी थाली आ चुकी है, बस देखो ये आ गई हमारी थाली। इसमें क्या क्या है देखते हैं। ये पहले रोटी की बास्केट आ चुकी है, ये आ गई है पूरी थाली। कितनी सुंदर दिख रही है देखने में, कितने सारे आइटम हैं आप देख सकते हो। ये देखो आप, तो ये सिर्फ 249 रुपीज़ की थाली, और आप देखो इसमें एक बार क्या क्या आ रहा है। अरे मटर पनीर मैम, दाल मखानी, जीरा आलू नूडल्स, जीरा राइस एंड गुलाब जामुन, लास्ट में आ गया सलाद, नान लच्छा पराठा। अगर सिटी पार्क घूमने आ रहे हो ना तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह, और स्टूडेंट हो तो फिर क्या ही कहने, बिल्कुल 249 में आपको मिलेगी। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ढूंढी है मैंने ये जगह, जो आसपास सिटी पार्क घूमने आते हैं संडे को। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में आता है, तो मैं टेस्ट करके फटाफट से बताता हूँ कि टेस्ट भी कैसा है। कि भाई मतलब थाली दिखने में अच्छी ना होना, टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो अब टेस्ट करते हैं भाई एनर्जी के साथ। महिमा ने जैसा कहा कि एनर्जी से बोलना है घर में, नहीं टेस्ट करते हैं फटाफट से। तो लेट्स टेस्ट दिस दाल मखनी। ये देखो आप, पास आओ थोड़ा। इतने बड़े बड़े पनीर के पीसेस डाले हैं, कोई कंजूसी नहीं है कि भाई कम में दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ बढ़िया है। और भी जगह ढूंढेंगे स्टूडेंट्स के लिए। ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी, गार्लिक के लच्छे डाल के। वाह भाई वाह, दाल मखनी का टेस्ट तो एक नंबर बनाई दाल मखनी। आलू भी करते हैं एक बार, क्योंकि ये थोड़ी यूनिक सब्जी लग रही है मुझे, इसमें थालियों में अक्सर ही होती नहीं, देखते हैं। ओ भाई एक नंबर भाई, क्या बना रहे हैं, गजब, एक नंबर बनाई है। करते हैं नूडल्स, जो कि इस थाली में ही आते हैं, जो कि चाउमीन और इन सब के शौकीन हैं ना चाइनीज़ के, तो उनकी भी क्रेविंग इससे पूरी हो जाएगी। एक बार खा के देखता हूँ कैसे। वाह भाई वाह, वही चाउमीन वाला स्वाद है, प्रॉपर नूडल का जो आता है ना एक स्वाद, चाउमीन वाला बहुत तगड़ा बनाया भाई। एक बार तो आपको जयपुर में स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ आके ट्राई करना चाहिए। पेपर वेपर देने आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आओ, बहुत अच्छा लगा। मोमो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ये तंदूरी मोमोज हैं हरी चटनी के साथ। ओहो हो भाई, सच में बहुत अच्छा टेस्ट है इसका तो। और मुझे लगता है दो गुलाब जामुन आपको मिल रहे हैं, क्वांटिटी बिल्कुल सही है। और क्वांटिटी क्या होती है भाई, अनलिमिटेड है, कितना भी खाओ जितना मन में आए बस। ये तो बहुत ही बेस्ट डील है आप लोगों के लिए। अच्छा लगा वीडियो तो एक बार ज़रूर बताना। ऐसे तो ये देखो इनकी फीलिंग देखो आप, तो बढ़िया सी फीलिंग हो रखी है तगड़ी। और टेस्ट करते हैं इसको बढ़िया से एक बार कैसे हैं। वो भाई जो इसका स्वाद है ना बहुत ही तगड़ा है यार सच में। एक बार ये भी ट्राई करना, थाली तो है ही है साथ में, ये ट्राई करना। कितने के थे यार? 160 में पीस दिखा दे, कितने सारे 160 में, बहुत इनफ है भाई ये, बहुत ही ज़्यादा इनफ। खाओ ट्राई करो, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसी लगी ये वीडियो। अगर आप आउटडोर सिटिंग लेना चाहते हैं तो वो हमने अभी आपको बाहर दिखाई थी, और अगर आप इंडोर बैठना चाहते हो तो एसी सिटिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हो कितनी प्यारी सिटिंग है यहाँ पे। आप यहाँ पे बैंक्वेट हॉल भी बुक कर सकते हो पार्टीज़ वगैरह के लिए। हमें सिर्फ नीचे ढाबा भाई जयपुर तड़का तक का ही पता था, यहाँ पे आने के बाद पता लगा यहाँ पे तो और दो फ्लोर भी है और काफ़ी अच्छा बना रखा है। अगर आपको बुकिंग करनी हो बर्थडे पार्टीज़ की तो वो भी आप कर सकते हो आराम से यहाँ पे। मैं तो करने वाली हूँ, मुझे तो जगह आज पता लगी और बहुत अच्छी है। यहाँ से सीधा सिटी पार्क का व्यू भी आता है, क्या बात है। और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसी लगी ये वीडियो।